नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू अकेडमी में स्वागत है। वैश्विक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा दोस्तों 18 जून को आयोजित हुई थी, उसको लेके एक बड़ी खबर है। कितने परसेंट छात्र जो है परीक्षा में बैठे उपस्थित रहे वो आपको बताऊंगा। साथ ही में परीक्षा से पहले पेपर भी वायरल हो गया है, पर हरिप्रसाद शर्मा ने मना कर दिया है कि पेपर वायरल नहीं हुआ है, ये फर्जी पेपर है, ये महत्वपूर्ण मामला है। SOG तक मामला पहुँच चुका है, पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा से पहले पेपर वायरल, बोर्ड ने बताया फर्जी। तो बोर्ड ने फर्जी बताया है, क्या है पूरा माजरा आपको बता देता हूँ। पहले दिन 72.42% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो 72.42% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 शनिवार से शुरू हुई है। पहले दिन बेसिक कंप्यूटर परीक्षा, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर आए एक पेपर ने सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास वायरल पेपर पहुंचा था, जिसकी पुलिस ने चयन बोर्ड से जाँच करवाई तो फर्जी बताया गया है। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा का पेपर 100 अंकों का है, जबकि जो पेपर वायरल हुआ है वह 150 अंकों का है। तो दोस्तों, इसमें एक आशंका ये भी है कि 150 पेपर का तो 150 क्वेश्चन तो हैं, पर मान लेते हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन सही हो तो किसको पता, उसकी भी जांच होनी चाहिए, हर बात की जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि बोर्ड जो है इस पर अच्छे से जांच बैठाएं और अच्छे से काम करें, तभी पता लगेगा कि वो 150 पेपर कितने मामलों तक सही है, कितना जो है गलत है। शनिवार को दो पारियों में हुई परीक्षा में 72.42% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। राजधानी जयपुर में 188 परीक्षा केंद्र जयपुर में है, जहाँ 70,320 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। और भी क्या मामला है, आपको एक और जो है मामला बताने वाला हूँ, बड़ा पेचीदा मामला है। हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि वायरल पेपर फर्जी है, वायरल पेपर 150 अंकों का है, जबकि परीक्षा का पेपर 100 अंकों का है। तो पेपर अंकों से मतलब थोड़ी होता है, लोग जो है अंकों को चेंज कर देते हैं और पेपर वायरल करते हैं और पेपर भेज देते हैं, तो उसका पता नहीं लगता। ऐसी बात करने के पीछे इनको जो है सोचना चाहिए, इन्होंने क्या पेपर मिलाया है, सब कुछ किया है या नहीं किया है, सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इधर विरोध शुरू हो चुका है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेके। सीकर से संचालित मोबाइल ऐप से भी कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी किए गए। तो सीकर की जो एक ऐप है उसमें भी जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के पेपर जो है वायर जारी किए गए। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ऐप से पहले भी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 35 से 40% मिले हैं, 35 से 40% इसमें से मिले हैं, ये विद्यार्थियों का आरोप है। इस पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। पहले भी जब राजस्थान पुलिस वगैरह की और भी भर्ती परीक्षाएं जब हुई थी उस पर भी जो है ऐप पर जो है सवाल उठे थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इस ऐप से आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण लगातार विरोध लगातार जारी है, आप लोग भी जो है इसका विरोध कीजिए, ताकि ऐसे जो पेपर जो है वायरल ना करें, ऐसे पेपर ना बनाएं जिसमें से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है मामला मिल रहा है। इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं उनको ज़्यादा फायदा है, जो ऐप का उपयोग नहीं कर रहे उनको नुकसान, इस हिसाब से तो ये बैठ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बड़ी बात सामने आई है कि पेपर जो है वायरल हुआ था, बस बोर्ड ने इतना सा कह के जो है टाल दिया है कि ये 150 अंकों का पेपर था और हमारा पेपर 100 अंकों का था, ये कह के बोर्ड ने जो है मना कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं विरोध शुरू हो गया है लगातार, इसके खिलाफ अब मामला देख सकते हैं। 2,21,000 जो अभ्यर्थी थे वह पंजीकृत थे, तो ये मामले लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। और पेपर में जो है बहुत कठिन पेपर था, इसलिए कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। मामला बिल्कुल बिगड़ गया है लोगों का, पेपर सही से नहीं हुआ है सभी विद्यार्थियों का। तो दोस्तों आप इस मामले को कितनी बात तक सही ठहराते हो कि पेपर जो है आउट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर पेपर वायरल हुआ है, बस उसमें इतना सा अंतर था, वह 150 अंकों का था और बोर्ड का पेपर 100 अंकों का था। बोर्ड ने कहा है कि 150 का था 100, तो इतनी सी बात करने से क्या पेपर फर्जी होता जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। SOG वगैरह के पास जांच होनी चाहिए, पर SOG के पास जांच पहुंचा दी गई है। देखो यहाँ पर एक और अपडेट है, वायरल पेपर की प्रति SOG को भेजी है, SOG ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार देर रात तक कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों से अभी जो है जाँच पूछताछ चल रही है, जाँच पड़ताल चल रही है, देखना बाकी है कि क्या मामला है।
और क्या होता है आगे इस पेपर को लेके, पूरी जानकारी आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।